वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। उम्मीद सहर यानी वुमेंस डे के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न की जो ख़ास नशरियात हैं उसमें आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। अब वक्त हुआ है एक ऐसे सेगमेंट का जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तुम जो चाहो तो सुनो। ये एक ऐसा सिलसिला है जो 1997 में नशर किया जाता था। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला था जिसे होस्ट करती थी मुनीज़ा हाशमी। और इस प्रोग्राम में बड़े बड़े हिदायतकार, अदाकार, गुलूकार, खिलाड़ी, पॉलिटिशंस सबको दावत दी जाती थी और उनके साथ इंटरव्यूज़ का ये सिलसिला चलता था। ये यकीनन पाकिस्तान टेलीविज़न की और हम सब की खुशनसीबी है कि आज उनमें से बहुत सारे हीरे इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान टेलीविज़न की लाइब्रेरी में उनके साथ ये जो इंटरव्यूज़ हैं हमारे पास हमारी लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। हम इस ख़ास दिन के हवाले से इस सिलसिले को दोबारा शुरू करना चाहते हैं और इसकी पहली कड़ी में हमने दावत दी है नए दौर के दो अदाकारों को। हम चाहते हैं कि ये जब सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए नई जिद्दत के साथ किया जाए, नए सवालात के साथ किया जाए, नई जहद के साथ किया जाए, लेकिन होस्ट हमारी वही हो, मुनीज़ा हाशमी। लेकिन आज जो अदाकार हमने बुलाए हैं वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न के हवाले से जितना काम उन्होंने किया है और करते चले जा रहे हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, वो हैं सरमद खुसट और समिया मुमताज़ और होस्ट हैं हमारी मुनीज़ा हाशमी। चलिए चल के देखते हैं। हाँ सरमद, तो पहला सवाल मैं अब तुमसे करूँगी, वैसे तो इससे करना चाहिए क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन है, लेकिन माइनॉरिटी है ना, तो माइनॉरिटी के हवाले से माइनॉरिटी आज तुम माइनॉरिटी में हो, ठीक है? तो दादा तुम्हारे, वालदा तुम्हारी और फिर ज़ाहिर है तुम्हारे वालिद हैं। तो अब तुम बताओ कि जब तुम आके खड़े हुए मैदान में तो कितना डर लगा? आई थिंक एक तो वो सामने खड़े होने वाला कभी भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। दूसरा, मैं ऐसे घूमता घामता कहीं से आ गया। मैं तो नफ्सियात पढ़ रहा था और मेरा ये ख्याल था कि मैं उसी तरफ आगे कुछ करूँगा। थोड़ा सा एक्सपोजर था सिर्फ रेडियो का, अम्मी की वजह से, बिल्कुल, वरना अब्बा कभी फिल्म सेट्स पे, टीवी स्टूडियोज़ वगैरह में नहीं लेकर गए थे। और बचपन से मुझे लगता है अब्बा वगैरह के ज़माने में तो बहुत रूटीन, वही टीवी भी करना है, अपना छोटा सा कोई एडवर्टाइजिंग का काम भी, फिल्म की शूट भी, रोज़ थिएटर भी, तो मुझे तो कोई मौजू काम ये नहीं लगता था कि इसमें तो कोई लाइफ ही नहीं है। बट आई थिंक वो एक्सीडेंटली जब मैं आया तो वो तब लगा कि अच्छा ये तो मज़े का काम है और इसमें बहुत कुछ सीखने का है। तो चूंकि शुरू से ही मैंने एक्टिंग के अलावा लिखना और डायरेक्शन शुरू कर दी थी तो वहाँ इस कदर नालायकी का आलम था मेरा कि वो फिर मैं हर वक्त बस परेशान रहता था कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो वो आई थिंक ऑर्गेनिक सा रहा, लेकिन एक अवेयरनेस थी कि ये अब सिर्फ शौक शौक नहीं है। हाँ, और एक अब्बा का भी वो बहुत इमोडेस्ट हैं तारीफ में भी, लेकिन जब उनको तारीफ नहीं करनी होती तो फिर छितर भी सबसे पहले वहीं से आता है। अभी तुमने दो तीन बातें की हैं जिनकी अभी मैं बाद में सवाल पूछूंगी। समझे, ये बताओ तुम कि तुम किससे इंस्पायर होके मैं इस जगह पहुंची? तुम्हारे तो मैं, आप मुझे लेके आई मेरे ख्याल से 7-8 साल की उम्र पे। अब वो यहाँ आके लाहौर के PTV स्टूडियोज में मुझे इतने बचपन की चीज़ें याद आ रही हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी छोटे छोटे, मैं, मेरा भाई और कज़न, हम तीन जो थे वो हर बच्चों के प्रोग्राम के लिए आप ही रिक्रूट करके बिठा देती थी हमें। और मैं जो मेरी जिम्मेदारी होगी अभी सारा कुछ, जाहिर है आप ही ने, क्योंकि अम्मा अब्बा को तो कोई ना पता था ना कोई इतना वो उस तरफ है ही नहीं उन लोगों का रुझान। आपने ये किया सब आपका कसूर। आप और वो थी ना तनवीर मसूद जी, वो भी अम्मा अब्बा की दोस्त, आप भी, तो आप दो लोगों ने ये यहाँ की हवा दिखा दी। और उसके बाद नो लुकिंग बैक। उस वक्त तो मैं बहुत मैं डरती थी आते वक्त क्योंकि मेरे भाई और मेरी कज़न दोनों बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत इजीली बात करते थे, मैं शर्माती थी।
बहुत चुप रहती थी, जब भी आती थी मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहीं कैमरे के आगे ना आ जाऊं, लेकिन वो फिर आई थिंक वो कर करके थोड़ा सा जिसको कहते हैं झाका उतर गया। झाका उतर गया। तुमने अभी बात की सीखने की, तो फिर कहाँ तक, ये एक बहुत ही एक सवाल ऐसा है जो बहुत पूछा जाता है कि क्या ये गॉड गिवन गिफ्ट होती है या ये सिखाई जाती है। अब इस वक्त तुम्हारी एक्टिंग की बात हो रही है, अभी डायरेक्शन और लिखने वाला काम बाद में आएगा, तो क्या है ये, देख देख के, सुन सुन के, समझ समझ के, कैसे? आई वुड लाइक टू बिलीव के एक आपका ज़िंदगी के किस हिस्से में आप हैं उस वक्त की समझ बूझ पे भी बहुत उसका दारोमदार होता है। जब शुरू किया तो एक एक्साइटमेंट थी, मशहूर हो रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, और कोई टीवी के इश्तहार वाले भी, कोई आप कहीं कोई कोला बेच रहे हैं, कोई टूथपेस्ट बेच रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं। सो आई थिंक उस वक्त आपको नहीं रियलाइज़ होता कि अच्छा आपकी स्किल कितना मैटर करती है। तो वो एक लाओबाली फेज़ भी था शुरू में, वही हम सब इकट्ठे दोस्त ही थे और हम सिटकॉम्स करते थे वही। अब अदील ने मुझे पहली दफ़ा ऑडिशन के लिए भेज दिया जवाद बशीर के पास, मैं कॉलेज में था और मैंने जाके ऑडिशन दिया और उसके बाद बात चल सो चल। तो लेकिन वही आई थिंक मुख्तलिफ वक्तों में फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, या कोई चैलेंज आता है, देन यू रियलाइज़ कि आपको इसके लिए गिफ्ट, आई एम श्योर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का गिफ्ट तो होता है, लेकिन उसको पॉलिश करना, चैलेंजेस के साथ उसको मजीद उसको पहचानना, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तुमने बेटा समिया रक्स, थिएटर, टीवी और फिर फिल्म भी, ये सारे काम किए हैं तुमने, और इसके साथ साथ तुम बीवी और माँ, क्योंकि ये मुझे भी पता है, तो कहाँ कहाँ कोई कमी रह जाती है या नहीं रहती, कैसे बैलेंस करते हैं दोनों चीज़ों को, साथ साथ लेके चलते हैं, शौक अपनी जगह, पैशन अपनी जगह, जिम्मेदारी अपनी जगह? एक तो ये कि आदमियों से कभी ये सवाल नहीं किया जाता, उनके भी घर की बहुत जिम्मेदारियाँ होती होंगी, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा जाता कि अपने प्रोफेशन को कैसे बैलेंस किया। अस्यूम किया जाता है कि सपोर्ट है घर से, तो मुझे भी घर से सपोर्ट था, माँ बाप की तरफ से भी था, और बल्कि एक दफ़ा अब्बा से किसी ने पूछा कि आपकी बेटी ये करती है वो करती है, आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ ना कर रही होती तो मुझे बहुत बुरा लगता है और अजीब लगता है। ज़ाहिर है अपना पैशन फॉलो कर रही है, ये तो होना ही चाहिए। तो वो स्पेस थी हमेशा से घर में भी, और जो मेरे मियाँ हैं फरजाद, वो भी इसी किस्म के शौक रखते हैं, तो कभी ये नहीं हुआ कि कभी किसी से इजाज़त मांगनी हुई या कोई ऐसी बात नहीं, मतलब ये होता ही है, ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे खाना पीना करना है वैसा काम भी करना है, तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन कभी मुझे नहीं आए। लेकिन कहीं समिया पीछे रह जाती थी कि कुछ समिया ने अपना काम करना होता था तो जिम्मेदारियाँ या प्रोफेशनलिज्म आगे आ गई, तो उसमें अब बाल भी कटवाने हैं या दोस्तों के साथ गप भी मारनी है, चाय भी पीनी है, दर्जी के पास भी जाना है। मैंने ज़्यादा नहीं है, मैंने लोड नहीं लिया इन चीज़ों का। साथ साथ एवरी डे, मतलब हर वही है ना कि वन डे एट अ टाइम करती गई हूँ और अभी भी वैसे ही करती हूँ। तुम सरमद राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को छोड़ देते हैं, इन तीनों में लड़ाई होती है? यानी जब तुम लिखते हो तो फिर जो तुम सोच रहे होते हो वो अगर एक्टर नहीं कर रहा तो उस पर कोई अपने अंदर से कोई कन्फ्यूजन, जब तुम डायरेक्ट कर रहे हो और एक्टर वो नहीं कर पा रहा जो तुमने लिखा है और तुमने सोचा है, तो किस तरह से अपने साथ एक बैलेंस करते हो कि स्टेप बैक सर मत करने दो उसको जो कर रहा है, ये कैसे समझाते हो, किस तरह से ये तीनों के क्लैशेस चलते तो होंगे? तो शुरू शुरू में मुझे वही था कि शायद अच्छा बहुत सा शोर मचाना पड़ता है, बहुत सा डांटना पड़ता है, बहुत सा चीखना पड़ता है, बहुत सा डिक्टेट करना पड़ता है, बट ग्रेजुअली जो समझ आया और जिस पे अब मैं टिका हुआ हूँ कि ये तो मिलजुल के करने वाला काम है, और आपने कोई पपेट्स या कार्डबोर्ड की इंसान तो नहीं इकट्ठे किए, आपने असली इंसान इकट्ठे किए हैं, तो उनके साथ मिलके कहीं ना कहीं आपको मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ेगा, और उसमें बहुत से फैसले, चाहे वो कास्टिंग के हों, क्रू की भी कास्टिंग, मतलब वो चाहे आपका डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, आपके डिज़ाइनर्स हैं, आपके लिखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मेरा ख्याल है बहुत सी एम्पथी और जेनरॉसिटी दरकार होती है, और फिर
अकेले कुल समझना मेरा ख्याल है सबसे बड़ा एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का एक बहुत नेगेटिव बात है कि आपको ये समझ लें कि जो मैंने सोच लिया बस ऐसे होगा, क्योंकि कई दफ़ा उसमें आप फिर वो अचीव नहीं कर पाते, हम जितने महदूद वसाइल में वक्त में काम कर रहे होते हैं। सो उसका गुर मेरे हिसाब से यही है कि आप प्रिपेयर करते हैं, आप बहुत सी वो बातचीत गुफ्तगु डिस्कशन आर्ग्यूमेंट वो आप शूटिंग से पहले कर लेते हैं। तुम वर्कशॉप्स कराते हो? जी, अब वो भी मतलब वही कि अब कर कर के सीखा कि अच्छा टीवी का काम तो नहीं, उसमें इतनी मार्जिन मिलती कि इतना वक्त मिले कि आप वो कर रहे हैं तो वहाँ जल्दी में काम होता है। बट डायरेक्टर की जॉब मुझे सिर्फ ये लगता है कि एक माहौल बनाने की होती है, और एक ऐसा माहौल जहाँ लोग सेफ फील करें। आप किसी भी नौयत का सीन कर रहे हैं, आप फिल्म से लेके टीवी तक बहुत सा मिजाज बदल जाता है, थिएटर का एक और मिजाज है। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग अदर्स एंड वो वाली डायरेक्शन तो मेरा ख्याल है उस पर तो एक बहुत लाल बड़ा कांटा लगा देना चाहिए, वो जो आप करके दिखाना शुरू कर देते हैं वो तो मेरा ख्याल है डायरेक्शन नहीं होती। अब ये भूल जाओ कि तुम्हारे साथ बैठा मेरा दिल चाह रहा था कहने को कि ये क्योंकि जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया हुआ है इसलिए पूछ रही हूं, इसलिए पूछ रही हूं, इसलिए पूछ रही हूं। तुम नहीं बैठे हुए? अच्छा ठीक, इज अ वंडरफुल डायरेक्टर, बिकॉज़ ये मुझे तो ये महसूस नहीं हुआ कि मैं मुझे कोई डिक्टेट कर रहा है, जिसको हम लोग कभी कभी मजाक में कहते हैं ना कि ये डायरेक्टर नहीं डायरेक्टेटर है। अच्छा, तो वो ये नहीं है, बिकॉज बिल्कुल यही लगता है कि कॉन्वर्सेशन हो रही है और हम मिल के किरदार बना रहे हैं और हम दोनों उसके अंदर बराबर के शरीक हैं, साथ साथ हम बना रहे हैं। ये नहीं है कि ये बता रहे हैं और हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम मिलके उसके बारे में उसको क्राफ्ट कर रहे हैं। और जब बनता भी है तो मुझे तो शर्मा के साथ काम करके यही लगा है कि जैसे हमने मिलके किया है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये सिर्फ मैंने किया है, ये सिर्फ शर्मा ने किया है, ये हमारी टीम ने किया है और ये उसका नतीजा है। एंड वो एक्चुअली ऑन सेट भी कभी मैंने ऊंचा बोलते या किसी को डांटते चीखते भी नहीं, खुद चिढ़ जाते हो? चिढ़ जाता हूं कभी कभी, हो जाता है, लेकिन निकलता उस तरह से नहीं है जिस तरह मैंने देखा है दूसरे सेट्स के ऊपर। ओके, तो इससे आगे चलते हुए देखते हैं समिया कि तुम्हें कितनी स्क्रिप्टें आती हैं और तुमसे लोग बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो पैसों के अलावा तुम्हें क्या चीज, क्या कैरेक्टर, तुम्हें क्या चीज उस कैरेक्टर की, व्हाट इज योर कॉलिंग ऑफ दैट कैरेक्टर, कि ये करना है मुझे, ये करना है, नहीं आई एम सो सॉरी, नहीं मैं फिर जरा सा कभी नहीं, सॉरी मैं मसरूफ हूँ, मैं नहीं कर सकती, इतनी पोलाइटली नहीं कहती। अच्छा मैं कह देती हूँ तो बड़ी अजीब सी स्क्रिप्ट है आपकी, सॉरी मैं इस तरह का काम नहीं करती। चलें। और वो अजीब सी वो होती है जो कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स भी स्टीरियोटाइप्स हैं, सिचुएशंस भी स्टीरियोटाइप हैं। आप देखने से पहले आपको पता है इसका एंड क्या होगा, मतलब जमाइयाँ आ रही होती हैं पढ़ते हुए भी और करने की तो खैर तो बात की बात। चलें। जो हमारे हैं घिसे पिटे फॉर्मूलाज जो बहुत लोग बार बार चलाए चले जाते हैं, कोई उसके अंदर एक मुख्तलिफ चीज़ करता है वो हिट होती है, फिर उसके नकल शुरू हो जाती है, तो कोशिश यही होती है कि जो वो मुख्तलिफ चीज़ हो उसमें कोई पूछ ले काम करने को, कह दे कि आ जाओ उसमें भी कर लो। जब ऐसा मौका मिलता है तो मैं फ़ौरन छलांग लगाती हूँ, मगर अक्सर वही होता है। और उसके अंदर जो रिपीट हो रही होती हैं, जो रन ऑफ द मिल आ रही होती है स्क्रिप्टें, उसके अंदर फिर भी अगर मुझे कोई मजबूरी है, मुझे करना ही है, मैं इस तरह से फिर उनको एलिमिनेट इस तरह करती हूँ कि उसके अंदर एक तो कि औरत की तजलील ना हो। अक्सर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि तुम तो औरत हो, तुम्हें तो, ये तो लड़का है उसको यूं, वो चीज़ें ना हो रही हो। उससे मुझे लगता है जैसे मुझे फिजिकली किसी ने कुछ हर्ट किया अगर मैं इस तरह की स्क्रिप्ट पढ़ती हूं। तुम्हारी बात सुनी जाती है कभी? नहीं, फिर मैं नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करती नहीं। अच्छा, कभी कभी कोशिश की है जब ज़्यादा मार्केट बेहतर थी मेरी, अब तो उम्र के साथ साथ कम हो जाती है मेरे ख्याल से, लेकिन उस वक्त मैं कह भी लेती थी कि ये वाली में मुझे ये मसला है, वो अगर चेंज कर लेते थे तो कर लेती थी। तो फ्लेक्सिबल होता ही है कभी कभार, लेकिन जाहिर है एक लेवल तुमने बनाया हुआ है, एक सोच तुमने बनाई हुई है कैरेक्टर की, कैरेक्टर के बारे में। हाँ। कि मुस्बत। हाँ। औरत के साथ डिफेंडिंग द वुमन, सिर्फ औरत नहीं, हर तरह की, मतलब कोई भी इंटरेस्ट ह्यूमन राइट्स है वो अगर किसी भी लेवल के हों, कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप है जिसकी अगर मजाक उड़ाया जा रहा है या उसको एज एंटायरिटी कहा जा रहा है कि उसकी तो खसलत ही ये है, उसकी खसलत में फलानी चीज है, अब वो तो है ही ड्राइवर। हाँ। तो है ही औरत, अगर कोई गाड़ी खड़ी होगी तो मेरे से भी निकल जाता,
और तो नहीं ड्राइवर उस तरह की चीजों में प्रॉब्लम होती है स्टीरियोटाइप। और फिर अगर कोई बहुत ही आइडियल रोल आ जाए वो होगा जिसके अंदर बहुत लेयर्स हो, वो सीधा सीधा ना हो कि अच्छा है तो अच्छा है बुरा है तो बुरा है, उस तरह ना, उसको मिक्स सा हो, पता ना चल रहा हो, असल लगे वो कि ये तो हाँ कोई ऐसा इंसान है जिसको हम वाकई में जानते हो, किताबी बात ना। तो समिया मेहनत कैसे करती है, सोचती कैसे है, कैसे स्टडी करती है उसको, क्या रात को, क्या दिन को, कि चलते चलते लोगों को देख के, जब एक पढ़ते वक्त एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा उस वो बन रहा होता है। अगर ऐसा ऐसी टीम हो जिसके अंदर आप बाकी एक्टर्स के साथ पढ़ लें तो फिर तो बहुत और अच्छी बात, उससे फ़ायदा हो जाता है। अगर अकेले में पढ़ लें तो भी मुझे पढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा उसका होता है। फिर कभी कभी मैं किसी को पढ़ते वक्त सोचती हूँ अच्छा फलाना, फिर अगर रियल लाइफ में फलाने को ज़रा गौर से देखने लगती हूँ इस तरह से। तुमने जिक्र किया अभी सेलिब्रिटी स्टेटस का अपने के एकदम से तुम पहचाने जाने लगी वो शुरू में जब थे, इस वक्त तुम्हारी दोनों की एक्चुअली और दोनों के ये सवाल हैं, दोहरी एक पर्सनालिटी बन गई, एक सरमत खुसट है और एक सरमत खुसट है, दोनों में से जब सरमत खुसट है वो ना रेस्टोरेंट जा सकता है, ना सड़क पे चल सकता है, ना हर सेल्फी 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 लोग ऊपर से, और जो खुद हो तो वो खुद हो कि चलो आज कपड़े नहीं बदलते, आज नहीं नहाते। सो ये जो दोनों, इसमें से कौन सा पसंद है और कौन सा नहीं पसंद? अच्छा, बहुत ज़्यादा मेरे साथ वैसे इतना नहीं होता कि, लेकिन ये ज़रूरत है कि जिस दिन मैंने कपड़े ना बदले उस दिन लोग ज़्यादा पहचान लेते हैं। जब मैं सोचूं कि मैं जल्दी से ATM से निकल के आ जाऊँगा उसी दिन आप बनियान में पकड़े जाते हैं, उसी दिन कोई तस्वीर खिंचवाते। आई थिंक वो बैलेंस आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। आप जितना तारीफ करें उस चीज़ को कई दफ़ा आप मतलब अच्छा भी लगता है। अब जैसे आप हम किसी फेस्टिवल पे गए हैं या कहीं ऐसी जगह है कोई इवेंट है वहाँ पे, ऑफकोर्स उन लोगों का हक है, वो आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं और प्यार मोहब्बत से कोई कहे, हाँ कभी कभार कोई बदमजगी हो जाती है, बट आई थिंक अब मुझे ये रियलाइज़ होने लग गया है कि हाँ अपने खुद के लिए वक्त और अपने खुद की जो शख्सियत है वो आपके काम से, वो काम उसकी एक लेयर है, सिर्फ वो नहीं हो सकता हर वक्त, ना उससे आप परेशान रह सकते हैं ना उसको तारीफ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अब वही कि विद सोशल मीडिया आपको अपनी प्राइवेट और वो ज़िंदगी भी समहाउ प्रोफेशनल बनानी पड़ती है, आपने अपने बारे में क्या कहना है कैसे कहना है, तो वो कहीं अब एक तगोदौ में मेरा ख्याल है एक लाइन मैंने तो ड्रॉ करनी है शुरू कर दी है कि फॉर एग्जांपल एक बुनियादी सी चीज़ प्राइवेसी मैं कहता हूँ घर पे, जैसे वो जो शोज़ होते हैं कि घर पे होगा, मैं घर पे मैं नहीं करता जी, मेरे घर पे क्रू नहीं आएगा, तो वो घर मेरा है, मतलब वहाँ पे हाँ आप मेरे दफ्तर आ सकते हैं या आप कहीं बाहर करना चाहें आप कर लें। सो स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, प्लस ये कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी का वो, ये मुझे सोशल मीडिया का भी वो समझ आ गया कि उस पर एक हद तक आप अपनी निजी चीज़ें डालेंगे क्योंकि वो अब वो थोड़ा सा हो गया कि हाँ वहाँ पे अब लोग इसलिए नहीं जाते कि मैं सिर्फ अपने फैमिली वालों से इंटरेक्ट करूँगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ मिसयूज़ भी हो सकती है और हर चीज़ पे ओपिनियन देना भी मैंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझता मैं मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे मुझे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं अपने काम के थ्रू अपनी बात करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ बजाय इसके कि मैं कहीं जा कर सिर्फ कुछ कॉमेंट करके या लिख के अपना नज़रिया शेयर करूँ। और समिया मुमताज़ कहाँ, मुझे कहाँ कोई इश्यूज नहीं है मेरे ख्याल से, कोई नहीं मेरे, क्या तुम्हें कोई पहचानता नहीं है? नहीं पहचान लेते हैं मगर ऐसा नहीं है कि गिरे पड़ रहे हूँ। अच्छा। हाँ वो तो गिरे पड़े वो एक और एक लिस्ट ऑफ एक्टर्स है। हाँ, मैं और समिया दोनों से नहीं। और मैं जैसी असल जिंदगी में भी मैं, मुझे ना ग्लैमर ना सजना समरना कुछ पसंद नहीं है, मैं आपके भी शो पे वैसे ही आ गई हूँ कंघा लेके आई हूँ लेकिन लेकिन बाल बाल ब्लो ड्राई नहीं किए, यानी मुझे पसंद नहीं है तो मुझे हाँ, बनना नहीं पड़ता जैसी मैं होती हूँ। और जिस तरह के मैंने कैरेक्टर्स भी किए हैं वो हर किस्म के किए हैं, अमीर गरीब वेल ऑफ नॉट वेल ऑफ, तो लोगों ने old, हर हालत में देखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ प्रटेंड नहीं करने की जरूरत है। तो देख के कहते हैं लगती तो वही है, चलो आगे चले। नहीं ये लेकिन मैं अक्सर सुनती हूँ कि जैसी आप स्क्रीन पे नजर आती वैसी हैं आप, तो वैसी हैं जैसी नजर आती हैं। और कैसे नजर आएंगे कैसे नजर आए, मेबी यू शुड हैव हॉर्न्स। तुमने अब अपनी जिंदगी को बहुत अलग सा कर लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो मेरा 16-17 साल की उम्र से ये मेरा एक ख्वाब था
जो कि मेरा ख्याल था कि एक रोमांटिक सा ख्वाब ही रहेगा, जमीन और ऐसे करना ना हमारे कोई यहाँ पे मतलब फैमिली की तो नहीं है जमीनें, हम लोग फ्यूडल तो नहीं है कि हमारी वो वाला सारा सिस्टम नहीं था, लेकिन ये मैं हर वजह से चाहती थी कि यही हो। खाने पीना साफ सुथरे की मुझे बहुत शौक था, एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है, आउटडोर्स मुझे बहुत पसंद है, तो ये सारी चीज़ें। और मुझे बहुत वो होता था कि पंजाब में पले बढ़े हैं तो पंजाबी और पंजाबियत से बेहतर अपने आप को वो करें, फेमिलियर भी करें, उसका हिस्सा भी हों और इस उसको कोई अदर ना समझें, हम वहीं के हैं जहाँ पे हम हैं। बिल्कुल। तो उस सब में मुझे बहुत एक होता था कि ये क्या है रूरल लाइफ और उसकी, क्यों शायद दूर भी रहे उससे, तो उसकी बहुत मुझे एक चार्म रहता था। तो अब मुझे तो पता था कि मुझे गांव में ही रहना है बहुत कम उम्र में, लेकिन ये नहीं पता था कि एक्चुअली कर ही लूँगी। वो करते 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 वो हो गया। अब तुम्हारा अपना फार्म है, फार्म ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हो, खेती बाड़ी करती हो और हम तक भी पहुंचाती हो कुछ चीज़ें जो हम भी खरीदते हैं और उम्मीद है कि सेहतमंद रहते होंगे उसकी वजह से। अब जब तुम लोग माशाल्लाह इतने बिजी हो, काम भी करते हो, तो एक दिन छुट्टी का अगर आ गया एकदम से, तो व्हाट इज दैट डे दैट यू वांट टू स्पेंड सडनली एवरीथिंग इज कैंसल्ड, वाओ आई नो व्हाट आई एम फ्री। You go first then. हाँ, you go first. मैं अपने घर पे वहीं पे फार्म पे मैंने एक पुरानी समझे पलंग टाइप ही है, उस फ्रेम है बड़ा सा उस और उसके ऊपर निवाड़ का पलंग सा बना हुआ है, उसका झूले की तरह लटका लिया है, उस पर मैं जाके लेट जाती हूँ, तकिया गाँव तकिया लगा के और आराम से सुबह से लेके मगरिब तक मैं उसी पे फिर पाई जाती हूँ, वहीं पे खा लिया पी लिया जो भी करना है काम, वहीं बैठे बैठे वहीं से काम करने चले गए फिर वापस आके बैठ गए, वो मेरा ड्रीम वेकेशन होती है। लवली, चिड़ियाँ, हवा, ठंडी ठंडी। आजकल तो मैं सुबह एक्सरसाइज बाहर कर रही हूँ तो एक छोटे से उल्लू साहब आके बैठते हैं, वो भी देखते रहते हैं पूरी गर्दन घुमा घुमा के क्या कर रही है, ये तो हेरोइन है, ये क्या कर रही है। हाँ जी, और सरमठ खुसक आंटी, मुझे लगता है एक अजीब सा दौर में गुजारा जो बहुत न्यूरोटिक था, जिसमें काम की एक अपनी वो नहीं, आपने बस काम पे बस काम करते काम, काम और अच्छा काम। ये हिट हो गया तो इसके बाद दूसरा ड्रामा भी, और फिर डायरेक्शन का काम ज़्यादा चूंकि मैंने किया वो उसमें आपकी कमिटमेंट भी लंबी है, कई कई महीनों तक मतलब साल तक भी लग जाता है कभी ज़्यादा किस्तों वाले ड्रामे जो होते थे। सो मैंने अब कुछ अरसे से अपने आप को कुछ ना करने पे भी आमादा किया है कि वो खुद से जो तारी कर लिया एक प्रेशर कि हर वक्त कुछ करते रहना है और कुछ नहीं, तो वो जैसे मैंने कहा कि अब सोशल मीडिया ऑलमोस्ट एक जरिया माश की तरह वो भी बन गया है, उसके भी बहुत से यू नो लवाजमात हैं। सो कहीं रुक जाना और कुछ ना करना, अब बाकी ये अपने ख़ास तौर पे बॉडी के बारे में सोचना है कि अच्छा हाँ समिया ने जैसे कहा वर्जिश है, ठीक खाना है, कुछ सांस लेना है, सोना है। मुझे सोने की प्रॉब्लम बहुत हो गई कुछ सालों से, नींद नहीं आती या टूटी फूटी नींद आती है, तो मैंने उस पर जब अब मुझे फारिग वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आराम करूँ, जो कि मैंने बहुत अरसे नहीं किया। और इसको भी बंद करना पड़ता इसको भी बंद, ये तो बस वो जो है ये बहुत मुश्किल किस्त वार ख्वाब मेरे ये बहुत मुश्किल किस्त वार। तुम दोनों ने अब इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज पे स्टेप इन कर लिया है, तुमने भी फिल्मों के हिसाब से भी, व्हाट डज इट फील सडनली यू आर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, योर वर्क इज ऑन द वर्ल्ड स्टेज। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना काम लेके दुनिया में पहुँचे। कमली को देखो कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ चली गई, क्या तुमने सोचा था जब तुम बना रहे थे कि ये कहाँ जाएगी? आई थिंक एक काम का तरीका हमारे यहाँ वो रहा है कि जो कमीशन्ड काम है, जैसे समिया ने कहा कभी आपको कोई ज़रूरत है, चूँकि अब फुल टाइम यही काम है जिससे आप पैसे भी कमाते हैं, कभी आप थोड़ा बहुत बेंड करके अच्छा कोई ऐसा काम भी कर लेते हैं जो आपके बिल्कुल ऐन मिजाज के मुताबिक नहीं होता। लेकिन जहाँ तक अगर मैं फिल्मों की बात करूँ तो वो मुझे लगता है बहुत एक पर्सनल सबसे पहले उसका कनेक्शन होता है, बहुत देर में बनता है, उसके साथ आपको बहुत वक्त गुजारना पड़ता है, तो वहाँ पहली शर्त मेरे ख्याल ये नहीं होती कि ये कहाँ जाएगी या क्या करेगी। अभी तक तो उतनी लग्जरी मैं इसलिए अफोर्ड कर सका कि मैं
जो भी एक दरमियाने बजट की फिल्में बना रहा था जो मैं खुद बगैर किसी की मदाखलत के बना सकता हूँ, तो उसमें अब उस काम का रिकग्नाइज होना यकीनन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये अगर आप सिर्फ इसको बिजनेस के तौर पे भी देखें तो ये देर से हुआ, सिर्फ एक मार्केट का खुलना या हमारा, हम फिल्में तो बना रहे हैं जब से मतलब हम बना रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान के साथ अगर मवाजना किया जाए हम भी तभी से फिल्में बना रहे हैं जब से वो बना रहे हैं, पहले इकट्ठे बनाते थे यहाँ पर, तो हम कहीं लेकिन उस मैप पे कभी ऐसे कोई नुकता नुकता नज़र आता था। अब ये पिछले कुछ सालों में हमारा, सिर्फ हमारा ही नहीं मतलब मिलजुल के बहुत से लोगों का काम नज़र आने लग गया, उससे बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगे, मिजाज बदलेगा, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर मबनी फिल्मों का एक वो बनती रहे अगर वो एक मेनस्ट्रीम देवर भाभी चलती रहे वो चलती रहे, लेकिन और जो नई एक खेप है बच्चों की जो अब फिल्म मेकिंग में आ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत से नौजवान जी, और उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज, और अब कल्चर की जब हम बात करते हैं या अपनी कहानियों की बात करते हैं आई थिंक अब वो वक्त नहीं रहा जब आप उसको बांध सकें कि ये यहाँ के लिए है ये वहाँ के लिए नहीं है, और जब आप ग्लोबल स्टेज की बात करते हैं तो रिकग्निशन डेफिनेटली और मौके क्रिएट करती है। बिल्कुल, सो आपने सही कहा, उसमें एक जिम्मेदारी भी बनती है और वो भी एक प्रेशर है कि अब अगला काम क्या होगा, बट जब हमने बनाया काम मेरा ख्याल है ये सोच के नहीं, मुझे अभी भी समहाउ दिल में लेकिन ये रहता है कि मेरी प्राइमरी ऑडियंस यहाँ है और उनके लिए वो बात समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर जब इसी तरह जब काम होता है कि आप सोचते हैं कि जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा, जिसके बारे में मुझे मालूम है वही मेरी अगर ऑडियंस है जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए फेमिलियर है, उसी में यूनिकनेस भी आती है ना, अगर आप पहले से सोच लें कि ऐसे यूनिवर्सल थीम, मेरे ख्याल से वो डाइल्यूट हो जाता है सारा कुछ, वॉश आउट सा हो जाता है आपका काम, हल्का सा काम, उसकी स्पेसिफिसिटी ही उसको ज़्यादा बनाती है इंटरेस्टिंग। और ग्लोबल स्टेज पे भी मुझे लगता है कि अब तो ज़्यादा ज़रूरत है अपनी बात कहने की, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है और एक्सेस में है, मतलब वो ज़माने नहीं रहे कि फीते कहीं से फिजिकली ट्रैवल करके पहुंचेंगे तो आप फिल्म देख सकेंगे, अब तो ऑनलाइन है सब जी, तो आप तो मतलब अफ्रीका की फिल्में भी देख लें, आप साउथ अमेरिका की भी देख लें, आप मतलब फार ईस्ट की भी देख लें, मिडिल ईस्ट की फिल्में देख लें, यू नो, तो वो अब तो लोगों को यही ज़्यादा तजस्सुस होता है कि आपके हाँ क्या हो रहा है या आपकी कहानी क्या है, आपके नुआंसेस क्या हैं, बारीकियाँ क्या हैं, सो वो मेरा ख्याल है अब वही कि जिस तरह पहले लगता था कि एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप हॉलीवुड जाके काम करेंगे, अब हॉलीवुड भी चाहता है कि आप अपनी फिल्म हमें दिखा दें लेकिन बनाएं वहीं पे, अपनी बात करें, क्योंकि वहां तो बनाने वाले मौजूद हैं, एज अ टेक्नीशियन आप जाके या एज एन एक्टर आप जाके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल एक्सपोर्ट की बात करें तो हमें अपनी एक्सपोर्ट वही इंडिजिनस और ओरिजिनल रखनी होगी, अपनी जबान में, अपने इर्द गिर्द के अपने किरदार, अपनी कहानियां, अपने जो कुछ भी, वही देखना चाहते हैं लोग। तो अब समिया मुमताज, अपने आप को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करो और तुम भी सोचो तुम्हारी बारी बाद में आएगी। कौन है समिया? कोई खास नहीं समझ आएगा ये मुझे, क्या कहूँ मैं इंसान मिट्टी चलो अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है तुम्हारी, क्या है जब तुम अपने आप को देखती हो या सोचती हो जो इतने साल गुजर गए तुम्हारी ज़िंदगी के, तो क्या है तुम्हारे? मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं किसी चीज़ को लगती लेती, मुझे मैं ज़रा अपनी ज़िंदगी से एक स्टेप पीछे लेके गुजार लेती हूँ, ज़्यादा भारी नहीं किसी चीज़ को लेती शायद ये, और एक ये शायद कि मुझे चुप रहना आता है, जब ज़रूरत ना हो तो नहीं बोलती, और तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, मैं इंसान वाली बात इसलिए उधर से चुरा के रिपीट करूँगा कि वाकई वो एक बुनियादी और बड़ी मुकम्मल पहचान है हम सब की, हम उससे बहुत आगे वाली चीज़ों पे पहले बात करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से हूँ, वहाँ से नहीं हूँ, यूँ बोलता हूँ, ये बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से बिला वजह के आप डिस्टेंसेस बनाते हैं। और एक फिल्म मेकिंग की सबसे अच्छी बात भी मुझे ये लगती है कि मतलब जो आपका जैनिटर जो सफाई कर रहा है उसका काम भी उतना ही अहम है और डायरेक्टर का भी उतना ही अहम है, वो गुसलखाना गंदा होगा तो एक्टर का मूड ख़राब मेरी प्रॉब्लम बनेगा, सो यू नो सो हाउ दैट इकोसिस्टम वर्क्स, वो वाकई वो जो कहते हैं ना मजाक हम उसका उड़ाते हैं तो कहते हैं फैमिली की तरह हम काम करते हैं, वो वाकई करना पड़ता है, यू नीड टू
यू नो, तो वो इंसान होना मेरा ख्याल है बड़ा अहम है और मैं उसको एक बड़ी मुकम्मल शनाख्त समझता। मुझे पता नहीं क्यों लगता है बुनियादी तौर पे इंसान अच्छे ही होते हैं, वो बाद में गंदी चीज़ें सीख लेते हैं। पैदा तो अच्छे ही अच्छे ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा मैं ये कहूँगा, कहानी सुनाने वाला, कहानियाँ ढूँढने वाला मुख्तलिफ फॉर्म्स में, और तहम्मुल सीखने वाला। अब मुझे वाकई लगता है तहम्मुल की बड़ी ज़िंदगी में, और ये कुछ ज़रा अवायल उम्री में इंसान को समझ आ जाना चाहिए, टू काम डाउन, टू टेक अ ब्रेक, टू टेक थिंग्स स्लो, धीरे धीरे सांस लेना। कोई नहीं अवायल उम्री, अभी जवान है बेटा तो तो वो नहीं सीखा था। अब मैं वाकई, अब मुझे सांस और ब्रेक की जो है ना, सो एंड एवरी डे इज अ न्यू डे, every day is a new day, tomorrow is another day, another day. Mm-hmm. True. Bahut shukriya ji. Khawateen hazrat, aaj ka pura din aapne umeed e sahar ke sath guzara, aapka bahut bahut shukriya bhai. Mujhe to bahut maza aaya aaj ka pura din humne entrepreneurs ke sath guzara, aane wali hamari celebrities hain unke sath guzara, international players ke sath guzara. Humne dekha ki aurat survive karna chahe to jal ke bhi, khaak ho ke bhi phir dobara khadi ho jati hai. उसे बस हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, उम्मीद का एक सफ़र चाहिए. औरतों को यूं ही एम्पावर करते रहें. मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत सारी इंस्पिरेशन हासिल की मैंने ख़वातीन से, एंटरप्रेन्योर्स से, पुलिस वाली हमारी जो बहन आई थी, सीटीओ थी, उनसे, वो बच्ची जो चेस खेलना सीख रही है उससे. पूरी दुनिया को हम पछाड़ रहे हैं, हमारे इस मुल्क की मिट्टी की औरतें पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं. उम्मीद सहर से मैं हूँ आयशा जहांजेब. खुदा हाफिज़.